जब स्कूल में निबंध लिखने को दिया जाता था ना गाय पे, तो क्या लिखते थे अपन? गाय हमारी माता है। लेकिन आज के समय हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि भूल चुके हैं क्या सही है क्या गलत है। ये आज हमारी मानसिकता है। ऐसा ही एक वीडियो जो कि मैंने ट्विटर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था और मैंने वहां पे देखा, तो मैं भी देख के सन्न रह गया कि आखिर ये क्या स्थिति है कि एक गाय को गाड़ी के पीछे, नगर पालिका की गाड़ी के पीछे बांध रखा था, जहां तक शायद मृत थी और घसीटती हुई जा रही थी रोड पे, स्पीड ब्रेकर पे ऐसे उछला। तो मतलब वो देख के इतना ऐसे दिल दुखा कि कैसे अपन इतने निर्दयी हो सकते हैं कि दया रही नहीं, जिसमें तो गाय को माता बताया गया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो उसको माता की नजर से देखा जाता है। ऐसे देश में हम ऐसे कृत्य ऐसे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा दुख होता है कि जहां पे अपन हर चीज पे बात करते हैं, न्यूज चैनल कुछ भी दिखाते रहेंगे, पाकिस्तान को लेके न्यूज चलाते रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर फिर मैंने सर्च किया कि आखिर क्या पूरा केस रहा, तो मुझे कहीं पे इसके ऊपर न्यूज कवरेज ही नहीं मिली। ये सबसे ज्यादा दुखद चीज है कि न्यूज कवरेज नहीं है, ऐसा काम हो रहा है। देख लो गौ माता को ले जाते, ऐसे ले जाते हुए ये देख लो क्या नगर पालिका की स्थिति है। देख लो नगर पालिका वाले गौ गाय को ऐसे घसीट कर लेके जा रहे हैं जैसे कचरा लेके जा रहे हैं। ये देखो शेयर करो नगर पालिका को, ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निकाल देना चाहिए जो गाय को गाय गौ माता को इस तरह से घसीट कर लेके जा रहे हैं, और इतना शेयर करो कि इनकी रूह तक काट जाए। और वैसे राजस्थान में हुआ है तो वहां पे कांग्रेस सरकार है, और मुझे एक चीज का दुखी होता है कि राहुल गांधी जहां पे अपने लाइव सेशन में ट्विटर पे सरकार के ऊपर लिखते हैं कि इनकी कमियां कोरोना वायरस को लेके कैसे असफल रहे और बहुत सी चीजों पे, और ये वीडियो जब इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है जहां पे इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सीएम है, वहां पे राहुल गांधी को चिंता नहीं होती अगर कुछ गलत होए या कुछ इस तरह की चीजें सामने आए कि इस पे लिखा जाए और एक्शन लिया जाए, और होना चाहिए दोस्तों। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मुझे ये देख के बहुत ऐसे दिल को चोट पहुंची कि कैसे भारत में इस तरह के कृत्य होते हैं। मतलब मैं आपको दोस्तों बता दूं, भारत के अंदर जो एक बुद्धिजीवी मुसलमान है ना, वो भी गाय को बहुत इज्जत की नजरों से देखता है और उनको इवन गाय माता ही मानता है, एक बुद्धिजीवी मुसलमान। बाकी जो कुछ भी हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस में है, पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में फंसे हुए, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी मानसिकता कैसी है। उनमें तो मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से जो हिंदू हैं है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं, उनको भी कोई संवेदना नहीं है गाय से, कोई जीव से। इवन अपने हिंदुस्तान में तो जीव के प्रति दया करने को बताया गया है, कोई भी जीव हो, सिर्फ गाय नहीं, कोई भी जीव। तो यहाँ पे अगर अपन के अंदर दया नहीं है, हमको दया नहीं आती है जानवर के प्रति, तो बहुत गलत है दोस्तों। ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो इस तरह के लोगों को देखते हैं उसके लिए ये सवाल बनता है कि कहाँ है आपकी दया, कि आप कैसे एक जानवर को ऐसे घसीट सकते हैं। बहुत गलत दोस्तों, मेरे को तो दुख पहुँचा, आपका भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देख के खून खौलेगा, बुरा लगेगा। और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को अशोक गहलोत को टैग करें कि आखिर कुछ तो एक्शन लिया जाए इस पे, कुछ तो ट्वीट किया जाए कि लोग सुधरें, अपनी मानसिकता सुधारें। सुधरना बनता है दोस्तों। बहुत से जने देखे हैं मैंने जानवरों को जबरदस्ती, एक वो हथनी जो मारी गई थी, गर्भवती हथनी केरला में, कितना गलत है। एक सुअर किसके लिए रखा गया था, वो पाइनएप्पल, जंगली सुअरों को मारने के लिए। मारना, एक जानवर को आप मार दोगे, बहुत गलत है दोस्तों। इसके ऊपर सही में एक्शन लेने चाहिए सरकार को, सख्त नियम होने चाहिए कि इस तरह के काम नहीं हो। नगर पालिका, वो तो वैसे भी सरकारी है, वहां पे ऐसे काम हो रहे हैं, मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों। आपको क्या लगा मैं जरूर से कमेंट में जानना चाहूंगा, और इस वीडियो को सच में शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस वीडियो को जरूर से अशोक गहलोत तक पहुंचना चाहिए कि एक्शन लिया जाए जो इस तरह का कृत्य हुआ है। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं, जो अपन लोग हिंदू है ना, यही लोग गाय को लेते हैं है ना, गाय पालते हैं,
दूध बेचते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ देते हैं, है ना, रोड पे। बहुत गलत है, गाय तो पूजनीय है, उनको तो पूजा जाता है, तो थोड़ा सा मतलब दया होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, गाय को मार देते हैं, प्लीज़ वो नहीं करिए। रिक्वेस्ट है कि इवन किसी भी जीव के प्रति कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जो जीव को मारते हैं, मार देते हैं, इवन टॉर्चर करते हैं। मैं ऐसे बहुत से वीडियोस आपको दिख जाएंगे जिसमें कुत्ते को डंडे से मारा जा रहा है, किसी भी जानवर को। प्लीज़ ये सब चीज़ें नहीं करिए। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो और टेक्स्ट कुक चैनल को सब्सक्राइब करो।